गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर मनीष डूडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी सी एल सी सिकर आज अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि प्रीवियस नाइनटीन दो हज़ार उन्नीस से दो हज़ार बीस के बीच में दो हज़ार उन्नीस पेपर में कौन से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आज फर्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं पीरियडिक टेबल पीरियडिक टेबल से हर साल एक क्वेश्चन आता है इसलिए इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन आता है देखते हैं कौन से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन देखते हैं इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल स्पेक्ली आर सामान्यतः और सामने के एक वर्ग में नीचे जाने पर घटने तथा बढ़ने वाले गुंद्रमें अपन बात करें कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाना है अपने को कि कौन सी प्रॉपर्टी घटती है और कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है पहली बात करें इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी दो प्रॉपर्टी दे रखी है अपने को प्रॉपर्टी दो कैसे दे रखी है इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी दे रखी है पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है डिक्रीज होती है जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पीए के लिए बात करें ये भी अपने अपन देखेंगे डिक्रीज होती है ये दोनों प्रॉपर्टी ही डिक्रीज हो रही हैं जबकि अपन ये क्या पूछना चाहता है घटने और बढ़ने वाले डिक्रीज एंड इंक्रीज पूछना चाहता है तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया रॉन्ग हो गया सेकेंड ऑप्शन में अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस देखते हैं टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है क्या होती है डिक्रीज होती है एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस देखें एटॉमिक रेडियस क्या होती है इंक्रीज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर इसलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो अपना ऑप्शन आ गया सेकेंड ऑप्शन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो आपने आया हुआ है यदि ऑक्सीजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान माइनस फो, वन, वन किलो जूल पर मोल है इसके द्वितीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बताएं बताएन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी डेल्टा एच ई जी एच ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस वन पॉइंट माइनस वन फोर वन पर मोल इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन्थेलपी इज अपने को इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी बतानी किसकी ऑक्सीजन किसी की भी सेकंड गेन गेंड है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी है वो हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी कैसी होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी तो अपन देखते हैं पहला क्या है ए मोर नेगेटिव वैल्यू देन द फर्स्ट पहले से और ऋणात्मक गलत बात है ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट नहीं ए पॉजिटिव वैल्यू मैं तो आपको फिर बता रहा हूं कि जितनी भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेनपी होंगे किसी भी एलिमेंट की वो सारी की सारी कैसी होगी पॉजिटिव होंगी तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा थर्ड आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एल्मोनियम इज सिमिलर टू एल्मोनियम की विद्युत निम्न से किसके समान है वह है एक इससे क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं एक नाम है विकल्प संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप विकल्प संबंध क्या बताता है जैसे लिथियम है के नीचे सोडियम है है मैग्नीशियम है, है एल्यूमिनियम है कार्बन है सिलिकन है विकल्प संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप क्या बताता है कि सेकेंड पीरियड की जो एलिमेंट है थर्ड अपने से आगे ग्रुप के थर्ड पीरियड के एलिमेंट से क्या दिखाते हैं गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं उनके नेचर कैसे होते हैं उनके नेचर सेम नजर आते हैं जैसे अपन देखें लिथियम है लिथियम एंटू से रिएक्शन फर्स्ट ग्रुप में ओनली लिथियम किससे रिएक्शन करता है एंटू से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है लिथियम नाइट्राइड बनाता है क्या बनाता है लिथियम नाइट्राइड फर्स्ट ग्रुप में ओनली लिथियम ही क्या बनाता है नाइट्राइड बनाता है बाकी कोई भी नाइट्राइड नहीं बनाते ऐसे ही मैग्नीशियम ऐसे ही मैग्नीशियम क्या करता है मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करता है एंटू से रिएक्शन करता है और नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है सेकेंड बात करें अपन फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में केवल लिथियम O2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है ऑक्साइड बनाता है क्या बनाता है ऑक्साइड बनाता है जबकि आगे वाले क्या बनाते हैं परऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी फॉर्मेशन करते हैं ऐसे ही मैग्नीशियम क्या करता है मैग्नीशियम भी O2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है एम का फॉर्मेशन करता है ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है मतलब नेचर में दोनों कैसे नजर आ रहे हैं अपने को सेम नजर आ रहे हैं सेम नेचर ने रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ ये डायगोनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे ही बेरेलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपन बात करें सेकेंड ग्रुप में सेकेंड ग्रुप में केवल और केवल सेकेंड ग्रुप में केवल और केवल कौन बेरेलियम हाइड्रोक्साइड बेरेलियम के ऑक्साइड हो या बेरेलियम के हाइड्रोक्साइड हो दोनों ही कैसे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं कैसे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं मतलब क्या हुआ दोनों ही उभे दर प्रवृत्ति के होते हैं इसी हिसाब देखें कि एल्मोनियम इस हिसाब से अपन क्या? एलमुनियम भी कैसे हैं? एलमुनियम में भी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एंड एलुमुनियम के हाइड्रोक्साइड ये भी कैसे होते हैं बेटा एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं कैसे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक बात और बताएं कि जितने भी एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं वो प्रबल अमल एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं नेक्स्ट बात करें अपन तो इसमें क्या हो गया इन दोनों के क्या हो? नेचर कैसा होगा सेम होगा गुण धर्म कैसे होंगे सेम होंगे तो ये बात कर रहा है किसकी एल्युमिनियम की विदुनता लगभग किसके समान हो सकती है अपन बात करेंगे किसके बैरिलियम के समान हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन सेवन इलेक्ट्रॉन ऑफ द एन एलिमेंट एक्स विदोमिक्स जिसकी परमाणु संख्या इकहत्तर है उसका इकहत्तरवा इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करता है वह है। अब बात करें लेनाइट एलिमेंट लेनाइट किनको ब्लॉक एलिमेंट्स के में दो पार्ट को बोला गया कौन से कौन सेनाइट तथा एक्टिनाइड जो है उनको कहां से कहां रखा गया है अट्ठावन टू इकहत्तर इससे पहले अपन एक बात करते हैं क्या अपन ब्लॉक बनाते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक अपन करते हैं एस ब्लॉक एस ब्लॉक में किन एलिमेंट्स को रखा जाता है एस ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा एंट्री करता है

में इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तो 71 वाला कौन सा है लेंथेनाइड है तो इनमें इलेक्ट्रॉन कहा एंट्री करेगा 4f में इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा नेक्स्ट देखते हैं अपन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियो ऑफ कार्बन सीजियम एल्यूमिनियम एंड सल्फर कार्बन सीजियम एल्यूमिनियम तथा सल्फर के परमाणु त्रिज्या का सही अनुक्रम है ऐसा क्वेश्चन कभी भी करना हो तो पहले सबसे पहले अपने को क्या कार्बन आएगा, आएगा और सीजियम होता, होता है अपने को पता है एक ग्रुप में एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है साइज डिक्रीज होती है एक लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है क्यों क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो ये तो एक है तो 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 ये एक पीरियड इन दोनों में से अपन देखें साइज किसकी बड़ी होगी एल्मोनियम की साइज बड़ी होगी किससे सल्फर से एल्मोनियम की साइज बड़ी होगी यहां से यहां मूव कराए अपन यहां से यहां मूव करते हैं तो अपन देखते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो साइज इनक्रीज होगी तो मतलब क्या हुआ कार्बन की साइज सबसे छोटी होगी उसके बाद में कौन आएगा सल्फर उसके बाद में कौन आएगा एल्युमिनियम और पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा साइज़ अपने को किसका मिलता है सीजियम क्या मिलता है इसीलिए इसकी सबसे कम आईपी होती है फ्रॉन्शियम को अगर काउंट नहीं करें क्योंकि फ्रॉन्शियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो अपना ऑर्डर क्या आ जाएगा सबसे बड़ा अपने पास कौन आएगा सीजियम फिर कौन आएगा एलमोनियम फिर कौन आएगा सल्फर और फिर कौन आएगा कार्बन ऐसा ऑप्शन अपन देखते हैं अपने पास ऑप्शन कौन सा मिल रहा है इसा? सबसे सुशमोल कार्बन फिर कौन सा सल्फर गलत हो गया ये सीजियम सबसे बड़ा फिर एल्यूमिनियम फिर सल्फर फिर कार्बन और अपना ऑप्शन आ गया थर्ड इस हिसाब से अपने देखा अपना ऑप्शन आ गया थर्ड नेक्स्ट देखते हैं द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इज अपन ने अभी बताया एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं एक ग्रुप में तो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक ऐसा फैक्टर है जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर कंटिन्यूस क्या होता है इंक्रीज होता है कंटिन्यूस क्या होता है इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है डिक्रीज होता है अपन देखते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगा ये फॉस्फोरस एंड सल्फर फॉस्फोरस एंड सल्फर में अपन अगर देखें तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है इंक्रीज होता है तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए किससे फॉस्फरस से, से जबकि उल्टा दे रखा है इसमें इसमें देखते हैं एल्युमिनियम एंड सिलिकन ज्यादा किसकी होनी चाहिए सिलिकन की होनी चाहिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया यहां देखते हैं गैलियम एंड जर्मेनियम तो ज्यादा किसकी होनी चाहिए जर्मेनियम की होनी चाहिए तो सही ऑप्शन आ गया राइट right ऑप्शन आ गया अपना थर्ड राइट ऑप्शन आ गया नेक्स्ट देखते हैं अपन The element with the Z e 120 will be Na. एन एसका जेड जिसका सौ 120 है जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई है होगा जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए उसके लिए स्पेशल ध्यान रखें इनर्ट गैस के लिए ध्यान रखें या तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखें सबसे बेस्ट तरीका यही है ये कह रहा है 120 नंबर का एलिमेंट काउंट हो तो कहाँ आएगा अपन ऐसे ही वो ऐसे पूछता है एक का हो तो कहाँ आएगा वैसे पूछ सकता है एक का आएगा तो कौन सा होगा मतलब किसी को भी अपने पास बात कर सकता है ऐसे क्वेश्चन के लिए अपने को बात करनी है किसी भी पीरियड की शुरुआत जो होती है किसी भी आवर्त की शुरुआत जो होती है वो कहां से होती है एल्कली मेटल से होती है कहां तो से होती है एल्कली मेटल मतलब छार धातुओं से होती है किससे होती है छार धातुओं से छार धातों से होती है और एंडिंग पॉइंट कहां पर होता है किसी भी पीरियड का एंड कहां होगा इनर्ट गैस में अपन क्या बोलते हैं अक्रिय बोल सकते हैं हिंदी में ठीक है कहां पर होगी इनर्ट गैस में होगी अब वो बात करता है 120 नंबर एलिमेंट अपने को ध्यान रखना है कि जो 118 नंबर एलिमेंट आएगा उसके लिए हमेशा ध्यान रखना है 118 नंबर एलिमेंट क्या होगा इनर्ट गैस होगी क्या होगी

अर्थ मेटल फर्स्ट ऑप्शन ही अपने पास आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं परमाणु त्रिज्याओं का सही क्रम है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इसमें बात करें तो अपन देखते हैं नाइट्रोजन तो ऊपर ही ऊपर पड़ा है इनमें बात करें तो यहां से यहां जाएंगे तो साइज क्या हो रही है अपने पास डिक्रीज हो रही है साइज क्या हो रही है डिक्रीज तो अपने पास फर्स्ट ऑप्शन ही अपना राइट right मिल जाएगा इसको ये कौन है अपने पास ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह मिल गए अपने पास इनकी त्रिज्याओं का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन परमाणु क्रमांक मांग वाले तत्व के लिए आईपीसी नाम का प्रतीक होगा इसके लिए देखते हैं वन के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है अन वन दो बार होता है अन नाइन के लिए ई e. तो आंसर आ गया अपना फर्स्ट आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आयोगेशन एनर्जी इज प्रथम तथा द्वितीय आयन ऊर्जा के बीच सर्वाधिक अंतर किस जिस तत्व में है वह है देखो बेटा किसी के भी प्रथम और सेकेंड वो ऐसी बात करता है प्रथम एंड सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड और थर्ड एंड फोर्थ ऐसी जब भी बात करता है ऐसे क्वेश्चन दो टाइप से क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है पहले तो वो अपने को क्या दे दे आईपी की वैल्यू दे दे किसी एलिमेंट की आईपी की वैल्यू दे दे और उसके बेस पर पूछ ले कौन से ग्रुप का है सेकेंड अपने को कैसे पूछ सकता है कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में किसमें डिफरेंस ज्यादा है सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस ज्यादा किसमें इसने क्या पूछा है फर्स्ट एंड सेकेंड में पूछा है इसमें अपने को क्या देखना है अपने को यह देखना है क्या कि फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में उन्हीं के बीच में इल, 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 गैप ज्यादा आएगा जिनमें क्या हो आउटर मोस्ट में जिनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही वो किसमें चला जाएगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आउटर मोस्ट में किसके एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन किसके होता है पोटेशियम के होता है किसके होता है पोटेशियम के अगर वो बात करता कि सेकेंड और थर्ड सेकेंड और थर्ड के बीच में किसमें डिफरेंस ज्यादा है तो सेकंड ग्रुप का कौन है क्योंकि उसके सेकंड और थर्ड के बीच आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो होते हैं तो इसमें आंसर आता है अपना ये और ये तो ऐसा आपने देख, जब भी वो पूछे प्रथम और सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड एंड थर्ड तो अपन देख लेंगे कि आउटर मोस्ट में किसके कितने इलेक्ट्रॉन है वरना वो आपका ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ऐसे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है जैसे वो आपको आईपी की वैल्यू दे दे ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है IP2, टू आई पी थ्री आई पी फोर आई पी दे रखी है टेन इसकी सॉरी ट्वेंटी एंड थर्टी एंड थ्री हंड्रेड दे रखिए अब पूछिए आपको कि ये कौन से इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर सकता है तो देखिए यहां पर डिफरेंस ज्यादा नहीं है जस्ट डबल हो रहा है यहां पर डिफरेंस ज्यादा नहीं है डबल भी नहीं हो रहा जबकि यहां पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है टेन से मल्टीप्लाई हो रहा है टेन से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब क्या है इसने तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो सका चुका चुका है तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है तो आप ध्यान दें ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ द आयन आय आइनों की सम इलेक्ट्रॉनिक सेट है सम इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्टेंट वर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सेम हो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो उनका विशेष ध्यान दे सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पीरियडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद में आपके आईपी आती है उसके बाद में आपके पास साइज के लिए बात करता है तो इन चीजों पर स्पेशल ध्यान दें सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट नाम से पता लग रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेम देखोगे अगर किसी के ऊपर माइनस चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया करो अगर किसी के पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया करो जैसे अपन देखें नाइट्रोजन कितने हुए सेवन एंड थ्री टेन इलीथियम थ्री थे एक रिमूव किया ये ऑप्शन नहीं हो सकता अपना सेकेंड ऑप्शन देखते हैं फ्लोरिन नाइन एंड वन टेन जिसमें कितने हुए टू ये भी नहीं हो सकता अपना ऑप्शन इसमें देखें लिथियम में टू सोडियम इलेवन थे वन रिमूव किया टेन ये भी नहीं हो सकता अपना ऑप्शन इसमें चेक करें वैसे ऑप्शन है कि बचाए सेवन एंड थ्री टेन एट एंड टू टेन नाइन एंड वन टेन इलेवन में से वन गए टेन तो ऑप्शन आ गया अपना फोर्थ आंसर आ जाएगा फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोन एशियन एनथेलपी प्रथम एंथल, आइन एनथेलपी का सही क्रम है थर, ऐसा क्वेश्चन थ्री सीरीज के लिए मेनली पूछा जाता है अदर सीरीज के लिए आपसे बात नहीं होगी थ्री सीरीज में आपके लिए जब भी बात हो आपको यह देखना है थ्री सीरीज में सबसे ज्यादा सीरीज में सबसे ज्यादा जो आईपी होती है वो किसकी होती है जिंक की होती है किसकी होती है जिंक की होती है तो देख लीजिए ऑप्शन ऑप्शन में जिंक में मैक्सिमम किसमें है फर्स्ट ऑप्शन में ही है अपने पास जिंक तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट वैसे तो ऑप्शन बेस पर ही हो गया वरना इसको आपको याद रखना पड़ेगा इसका ऑर्डर क्या है वो ऑर्डर आप ध्यान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेटल दैट गिव हाइड्रोजन गैस अप टू अपॉन ट्रीटमेंट विद बॉथ एसिड एज वेल एज बेस इज धातु जो अम्बल व छार दोनों के साथ ही अभिकृत करने पर हाइड्रोजन गैस देती है बेटा जी ध्यान रखें कि जितनी भी एम्फोटेरिक मेटल्स जितनी भी एम्फोटेरिक मेटल्स हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या देती हैं एच टू गैस देती हैं स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस के साथ तो अपन बात देखें कि एम्फोटेरिक कौन है मैग्नीशियम नहीं है मरकरी नहीं है आयरन नहीं है तो आंसर आ गया अपना जिंक क्या आ गया जिंक जिंक क्या दोनों के साथ ही अमल व दोनों के साथ ही क्या देती है एच टू गैस देती है अब एम्फोटेरिक मेटल कौन सी कौन सी है बेरेलीम है एल्यूमिनियम है जिंक है गैलियम है इंडियम है, वो सॉरी पीबी है एस एन है ये सारी की सारी क्या है तत्व तो की परमाणु संख्या पंद्रह उसका ग्रुप संख्या उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उसकी संयोजकता क्रमशः होगी द ग्रुप नंबर नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड दैलेंसी ऑफ दिलीमेंट विद एटोमिकलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू एंड थ्री पी थ्री फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं अपने पास टू फोर टेन एंड फिफ्टीन अब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए अपने पास पांच ग्रुप नंबर का कैसे पता लगेगा ग्रुप नंबर पूछा है ग्रुप नंबर का कैसे पता चलेगा पी ब्लॉक के लिए तो ग्रुप नंबर आपको बहुत आसान है कैलकुलेट करना थर्टीन ग्रुप फोर्टीन फिफ्टीन 16 15 16 17 18 जिसके आउटर मोस्ट में थ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो थर्टीन ग्रुप का होगा जिसके आउटर मोस्ट में फोर इलेक्ट्रॉन होंगे फोर्टीन ग्रुप का होगा जिसके आउटर मोस्ट में इव इलेक्ट्रॉन होंगे फिफ्टीन ग्रुप का होगा जिसके आउटर मोस्ट में सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे सिक्सटीन ग्रुप का होगा जिसके आउटर मोस्ट में सेवन इलेक्ट्रॉन होंगे सेवनटीन ग्रुप का होगा और जिसके आउटर मोस्ट में एटीन इलेक्ट्रॉन होंगे सॉरी एट एट इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटीन ग्रुप का होगा जिसके आउटर मोस्ट में थ्री इलेक्ट्रॉन थर्टीन ग्रुप फोर इलेक्ट्रॉन फोर्टीन ग्रुप फाइव इलेक्ट्रॉन फिफ्टीन ग्रुप सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्सटीन ग्रुप सेवन इलेक्ट्रॉन सेवनटीन ग्रुप एट इलेक्ट्रॉन एटीन ग्रुप हीलियम को छोड़कर के आउटर मोस्ट, एक उसके पास तो उसके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपन ये बोलेंगे वो है 18 का एक्सेप्ट अपना ये ट्रिक उस पर नहीं लगेगी बाकी अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है फाइव इलेक्ट्रॉन है फाइव इलेक्ट्रॉन मतलब फिफ्टीन ग्रुप है, का है? तो अपने को पता चल गया फिफ्टीन ग्रुप फाइव आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन और इस टाइम ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट में ये तीन बॉन्ड बना सकता है तो ये कौन से ग्रुप का वो सॉरी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई सजेक्टा कितनी हो गई तीन हो गई कितनी हो गई तीन तो अपन ये आप अपना आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं वह युग्म जिसकी परमाणु त्रिज्या समान है द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियस बेटा एटॉमिक रेडियस की अगर बात करता है वो सिमिलर की तो कुछ ही जगह पर अपने को ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहां सिमिलर अपने को रेडियस मिलती है कहाँ कहां ध्यान रखना है वो देखते हैं अपन बात करते हैं scandium, yathrium, इसके लिए थोड़ा से बता दूं आपको टाइटेनियम जर्कोनियम हाफनियम यहां तो साइज रेगुलर इंक्रीज होता है यहां तो साइज रेगुलर इंक्रीज होता है परंतु साइज इंक्रीज होता है पर यहां पर क्या आता है सेम आता है किसके के करण. किसके कारण 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 के क्या तो अपन ये फोर डी सी सीरीज, सीरीज है ये कौन सी सीरीज है फाइव डी सीरीज है फाइव डी एंड फोर डी सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है किसके कारण नाइट कॉन्ट्रेक्शन के कारण दूसरा आपको पूछेगा वो किसके लिए एल्युमिनियम एंड गैलियम की साइज भी ऑलमोस्ट सेम होती है एक्यूरेट पूछे तो गैलियम स्मॉल होता है किससे एल्युमिनियम से एक्यूरेट की बात करें ऐसी बात करें तो ऑलमोस्ट सेम होती है इनकी इनकी किसके कारण ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रेक्शन के कारण किसके कारण ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रेक्शन के कारण संक्रमण संकुचन के कारण ये लेंथ संकुचन के कारण तो अपने को देखना है फोर डी फाइव डी सीरीज से कौन रिलेटेड है 4d 5d सीरीज से कौन रिलेटेड है टाइटेनियम हाफनियम नो टाइटेनियम 3d सीरीज का एम एन थ्री सीरीज का के, है एसकेंडियम तो दोनों थ्री डी सीरीज के इनकी साइज इक्वल नहीं होती तो यहां बात करेंगे मोल टन आंसर आ गया थर्ड तो ये अपना ध्यान रखना 4d एंड 5d सीरीज के साइज कैसे होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं किसके कारण लेंथेनाइड नाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण किसके कारण लेंथेनाइड इनड कॉन्ट्रेक्शन के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इन कंपेयर टू बोरोन एंड बेरिलियम बोरोन की तुलना में बेरिलियम रखता है अच्छा क्वेश्चन है इसके लिए बात करें बेरिलियम एंड बोरोन जो 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 बातें कर रहे हैं ये इसमें क्या क्या बातें की हुई हैं न्यूक्लियर चार्ज की बातें की हुई हैं एंड आईपी की बातें की हुई है आईपी एंड नॉर्मली अपन अगर देखें तो एक पीरियड में एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आई भी इंक्रीज होती है क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं पहले पीरियडिक टेबल में जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके आईपी के आई फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आईपी की बात करें तो ये फैक्टर पढ़ चुके हैं अपन जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके आईपी के जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगी तो आईपी किसकी ज्यादा होनी चाहिए बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी बोरोन की ज़्यादा होने चाहिए थी परंतु नहीं होती क्यों ज्यादा किसकी होती है बेरेम की आईपी ज़्यादा होती है परंतु अगर जेड इफेक्ट अपन कैलकुलेट करेंगे जेड इफेक्ट अगर अगर कैलकुलेट करेंगे तो जेड इफेक्ट में अपन देखेंगे कि जेड इफेक्ट बेरेम का कम होता है किससे बोरोन से बेरेम का जेड इफेक्ट ज़्यादा होता है परंतु आईपी ज़्यादा किसकी बेरेम की सॉरी जेड इफेक्ट ज़्यादा किसका बोरोन का जबकि आईपी ज्यादा किसकी बेरेलियम के ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जब व… इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किया जाता है तो बेरेलियम में कहा से रिमूव किया जाता है एस से जबकि बोरोन में किससे किया जाता है है से एस न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता इसलिए उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होता है इसलिए अपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इसलिए बेरेलियम की आईपी ज्यादा किससे होती है बोरोन से ज्यादा होती है अगर जेड इफेक्ट की बात करें तो जेड इफेक्ट कैलकुलेट करके देखोगे तो बेरिलियम से ज़्यादा किसका आएगा बोरौन का ज़्यादा आएगा तो स्पेशल चीज है ये ध्यान रखें कि बेरिलियम की ऐसे ही बात करें अपन किसकी मैग्नीशियम एंड एल्यूमुनियम के लिए बात करें तो आई ज़्यादा किसकी आएगी मैग्नीशियम की आई ज़्यादा होगी किससे एलमोनियम से और जेड इफेक्ट की अगर बात करता तो जेड इफेक्ट ज़्यादा किसका आता एलमुनियम का आता तो अपने पास इसमें ऑप्शन देखते हैं कह रहा है ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज बोर की क्या बोला है बोरोन की तुलना में

एंथेल्पी फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन तथा सॉरी क्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन की इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथेल्पी क्रमशः है अपन बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कह रहे हैं इनमें आईपी सॉरी ए की कंपेयर कराना इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी का कंपेयर कराना ज्यादा वैसे किसकी होनी चाहिए फ्लोरिन की ज्यादा होनी चाहिए क्यों क्योंकि अपन बात करते हैं जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जेड इफेक्ट ज्यादा किसका है फ्लोरिन का ज्यादा है और साथ में साइज के इनवर्स होता है साइज के इनवर्स होती है तो ज्यादा होने की किसकी चाहिए थी फ्लोरिन की ज्यादा होनी चाहिए थी पर फ्लोरिन का साइज कैसा होता है बहुत स्मॉल होता है स्मॉल होता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन यहां पर ज्यादा मिलेगा जिसके कारण रिमूव होने वाली एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो यहां ऑर्डर क्या आएगा फ्लोरिन की सबसे ज्यादा सॉरी क्लोरिन की सबसे ज्यादा फिर डिक्रीज हो जाएगी तो अपन बात करें मैक्सिमम वैल्यू किसकी मिलेगी अपने को क्लोरिन तो सबसे पहले इसने फ्लोरिन लिखा है तो सब फर्स्ट किसकी आएगी क्लोरिन तो देखिए ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम कौन सी है थ्री फोर्टी नाइन है तो सेकंड पर कौन आना चाहिए थ्री फोर्टी नाइन आना चाहिए ये ऑप्शन देखिए सबसे ज्यादा थ्री फोर्टी नाइन किसकी आएगी क्लोरिन की फिर फ्लोरीन हो गया फिर कौन हो गया ब्रोमीन, और फिर कौन हो गया आयोडीन ऐसे ही अपन एक क्वेश्चन यहीं पर और देखते हैं कि कैसे कैसे बन सकता है अगर आपको कंपेयर कराए ऐसे जैसे अपन लें कौन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन एंड क्लोरीन। बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें कि इनमें कैसे कंपेयर करें कैसे याद रखें तो इनको याद करने का तरीका या कंपेयर करने का तरीका सिंपल सा है चले ऑर्डर बनाए क्लोरीन फ्लोरीन, सल्फर ऑक्सीजन फॉस्फोरस सॉरी क्या बन गया ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा क्लोरीन क्लोरीन, सल्फर ऑक्सीजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन ये ऑर्डर आएगा यहां पर तो अपन लिख सकते हैं क्लोरीन मैक्सिमम, फिर फ्लोरीन फिर सल्फर फिर ऑक्सीजन फिर फॉस्फोरस एंड फिर नाइट्रोजन तो ये ऑर्डर याद रखने का तरीका हो गया अपने पास जिकजैग बना देना से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऑप्शन आ गया अपने पास फोर्थ ऑप्शन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन रेडियस ऑफ एजी इज क्लोजेस्ट टू एजी की परमाणु त्रिज्या किसके निकटतम है अभी अपन ने लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन पढ़ा था कॉपर एजी एयू, जिंक कैडमियम मर्करी इनके लिए बात कर लेते हैं एजी की साइज बड़ी होती है किससे कॉपर से इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम आएगी किसके कारण लेंथ कॉन्ट्रेक्शन के कारण किसके कारण

जिंक की साइज ज्यादा मिलेगी इससे कॉपर से, से कैडमियम की मिलेगी एजी से एच की मिलेगी एयू से और आईपी की भी बात ऐसे करेगा तो जिंक की ज्यादा कॉपर से आईपी जिंक की ज्यादा कॉपर से कैडमियम की ज्यादा एजी से एच ज्यादा एयू से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रत्येक है युगम फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर सेलिनियम तथा तो लिथियम एंड सोडियम में तो जो एक इलेक्ट्रॉन लब्धि पर अधिक ऊर्जा विमोचित करते हैं विच पेयर ऑफ द एलिमेंट सल्फर एंडियम एंड लिथियम एंड इलेक्ट्रॉन गेन आर अभी अपन ने बात की कौन कौन है फ्लोरिन एंड क्लोरीन सल्फर एंड सेलेनियम लिथियम एंड सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन में से ज़्यादा किसकी होगी क्लोरीन की ज़्यादा होगी कि स्मॉल साइज़ है आने वाले इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन में ज़्यादा रिपल्शन मिलेगा जिसके कारण निकलने वाली एनर्जी रिमूव होने वाली एनर्जी कम होगी सेलेनियम एंड सल्फर में बात करते हैं अपन सेलेनियम एंड सल्फर में बात करें तो सल्फर की ज़्यादा होगी किसकी ज़्यादा होगी सल्फर की ज़्यादा होगी लिथियम एंड सोडियम में बात करें लिथियम एंड सोडियम में बात करें तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखें कि लिथियम की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथलपी क्यों क्योंकि लिथियम का साइज स्मॉल होता है ये अपने पीरियड में अलग ही नेचर रखता है पीरियड नहीं सॉरी अपने ग्रुप में अलग ही नेचर रखता है नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर नहीं होती उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर होती है उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर होती है इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी इसकी होगी लिथियम की होगी तो अपन बता सकते हैं सबसे ज्यादा इन दोनों में क्लोरीन फिर सल्फर और फिर लिथियम अपना ऑप्शन आ गया सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल मॉल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन रिस्पेक्टली आर द सोडियम ये ये, ये। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सिलिकन अपन ने अभी बात की लेफ्ट टू राइट जाते हैं z इफेक्ट इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे z इफेक्ट इंक्रीज होगा नॉर्मली z इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके आईपी के आईपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब क्या होना चाहिए आई पी इंक्रीज होनी चाहिए सबसे ज़्यादा सिलिकन फिर एलमोनियम फिर मैग्नीशियम फिर सोडियम परंतु यहां लफड़ा आ गया यहां क्या दिक्कत आ गई यहाँ इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा एस टू से निकलेगा जबकि यहां किससे निकलेगा पी वन से एस टू की एनर्जी ज़्यादा होगी इसलिए ये यहां से आगे मूव कर जाता है तो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी सिलिकन की फिर किसकी आएगी मैग्नीशियम की फिर किसकी आएगी एलमोनियम की फिर किसकी आएगी सोडियम की ये अपने पास क्या आ गया ऑर्डर आ गया परंतु अपने को देखना है मैक्सिमम कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू है सेवन एट सिक्स तो ये अपने को इसी ऑर्डर में लिखना है सेवन एट सिक्स मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए सेकंड मैक्सिमम किसकी है मैग्नीशियम की तो सेकंड मैक्सिमम कौन सी है सेवन थ्री सिक्स सेवन सॉरी सेवन थ्री सेवन थर्ड कौन सी है फाइव सेवन सेवन फिर कौन सी है फोर नाइन सिक्स तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए ऐसा कोई हो सेवन एट सिक्स फिर फाइव सेवन सेवन फिर सेवन थ्रिक्स आंसर आ जाएगा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन द थर्ड आयोनाइेशन enthalpy इज मिनिमम इज ए फोर जिसके लिए तृतीय आयोजन एंथेल्पी न्यूनतम है वह है। अपन इनमें देखेंगे कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी मिनिमम होगी तो अपन देखें इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एस वाले तो इसमें भी निकल जाएंगे इसमें भी रिमूव हो जाएंगे इसमें भी रिमूव हो जाएंगे इसमें भी रिमूव हो जाएंगे इसके पास क्या आएगा d5 आ जाएगा इसके पास क्या रहेगा D6 रहेगा होने किसकी चाहिए थी एम एन की होनी चाहिए थी पर हाफ फील्ड आ गया तो मिनिमम किसकी आ जाएगी अपने पास एफ ई की आ जाएगी किसकी आ जाएगी एफ ई की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियो ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज निम्नलिखित तत्वों की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम है कौन कौन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन रेडियस का जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपको हमेशा ग्रुप एंड पीरियड में डिवाइड करना है उनको रखना है यहां कौन आ जाएगा ऑक्सीजन एंड कार्बन इनमें बात करें इनमें बात करें सबसे ज्यादा किसका आएगी कि ब्रोमीन साइज किसकी ब्रोमीन की फिर फ्लोरीन की ये पीरियड था और ये क्या एक ये क्या एक पीरियड है ये क्या है ग्रुप ग्रुप में साइज टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है इंक्रीज जबकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज तो यहां साइज किसकी बड़ी आएगी कार्बन ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन तो ऑर्डर क्या आ जाएगा ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन क्लोरीन सॉरी ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आ जाएगा तो इसमें देखें सबसे बड़ी ई फिर क्या आएगा डी ई एंड डी इसमें भी है ई एन डी इसमें भी है ई एन डी फिर आएगा ए इसमें सी आ गया इसमें ए आ गया तो अपना ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें तो ऐसे अरेंज करके हमेशा मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जब भी रेडियस का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अरेंज करना है उसको ग्रुप एंड पीरियड में अरेंज करना है ऑलवेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी थ्री नंबर बोर्न हैज स्मॉलर फर्स्ट आइनाइजन एनथेल्पी देन बेरिलियम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोरॉन की प्रथम आइनन एंथेल्पी बेरिलियम से कम है निम्न तत्वों पर विचार कीजिए इट इज इरेज़ इरेज टू रिमूव इजियर टू इजियर टू रिमूव टोपी इलेक्ट्रॉन देन टू एस इलेक्ट्रॉन टू एस इलेक्ट्रॉनों की तुलना में टोपी इलेक्ट्रॉन हटाना आसान है बिल्कुल करेक्ट आंसर है कह रहे टूपी इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैन टूएस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरेलियम बिल्कुल सही बात है कह रहे टूए टूएस इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर दैन टूपी इलेक्ट्रॉन क्योंकि पेनिट्रेशन पावर अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है एस की फिर पी की फिर डी की फिर एफ की क्योंकि एस न्यूक्लियस के सबसे पास होगा फिर पी होगा फिर डी होगा फिर एफ अगर एक शेल के लिए बात की जाए किसके लिए अगर एक शेल के लिए बात की जाए तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होगा एस फिर पी फिर डी एंड फिर एफ होगा नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं तो अपना सेकेंड ऑप्शन थर्ड सही है थर्ड ऑप्शन भी सही है द एटोमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरेलीम नो रॉन्ग है ये ऑप्शन क्यों क्योंकि अपने को पता है पेरिटी टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होती है डिक्रीज होती है जबकि ये उल्टा बोल रहा है कि बोरॉन की साइज़ क्या है ज्यादा किसे बेरेलीम से तो अपने पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट की बात की है तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया अपने पास वन टू एंड थर्ड तो आंसर आ गया अपना सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिस्पेक्टली आर नॉर्मली अपन देखें कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं एसिडिक होते हैं जबकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं सॉरी उल्टा बोल गया मैं। जो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं जबकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं और कुछ एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं वो अपने को याद रखने पड़ेंगे अभी ने एम्फोटेरिक मेटल्स के लिए बात की थी तो उनके ऑक्साइड भी ये कैसे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं कैसे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के तो अपने पास देखें एमली ऑक्साइड पूछा सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड पूछा है तो एन ए टू ओ थ्री एसिडिकल एल ए टू ओ थ्री एमफोटे तो अपने पास ऑप्शन कैसा आ गया फर्स्ट ही आ गया इसमें देखते तो ये एसिडिक है ये बेसिक है और ये कैसा है एसिडिक है इसमें देखते पहला बेसिक हो गया

सिक्स एस वाले जाएंगे फिर डी वाले जाएंगे फिर एफ वाले जाएंगे तो अपने पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन देखोगे तो अपने पास ऑप्शन मिल जाएगा फोर्थ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन से अपन काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव हमेशा अपने को कहाँ से करने हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने को रिमूव आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने हैं आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले रिमूव किया जाता है जैसे अगर अपन बात करें मेरे को लिखना है एम एन प्लस टू बनाना है एम एन प्लस टू बनाना है या एम एन प्लस फोर लिख लें अपन तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं एम एन के लिए थ्री डी फाइव थ्रीडी फाइव इलेक्ट्रॉन रिमूव करने अपने को फोर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है ये वाला है इससे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे इससे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए दो अब नेक्स्ट रिमूव कहाँ से होगा अपने पास दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने थे यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा थ्रडी थ्री अपने पास रह जाएगा मतलब क्या सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने हैं अगर आउटर मोस्ट शेल रिमूव खत्म हो जाए तो अपने को इनर सेल से आउटर मोस्ट सब सबसेल देखना है आउटर आउटरमोस्ट सबसे पर कौन हो गया थ्री डी जाने के बाद में थ्री हो गया तो अपने को से रिमूव करने पड़ेंगे थ्री से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आर फोर नाइनटी सिक्स एंड फोर फाइव सिक्स जीरोक्ट कंप्लीटली metal हाइड्रोक्साइड uh, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड है पहले तो ये पता लगा है, मेटल हाइड्रोक्साइड कैसी है मेटल के पास कितने ओएच है इसका पता मतलब मेटल के ऊपर मैंने पहले बता चुका हूँ आपको ये क्वेश्चन किसके बेस पर है आईपी को भी अच्छा क्वेश्चन है ये कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया मॉल कंसेप्ट को और उन दोनों को चीजों को इनको आईपी को भी यहाँ पहले आईपी दे रखी है फोर आ, फोर नाइनटी सिक्स सेकेंड दे रखी है आईपी की वैल्यू दे रखी है हमने को फोर सिक्स एंड फोर फाइव सिक्स जीरो दे रखिए आईपी टू दे रखिए आईपी वन और आईपी टू के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है आईपी वन एंड आईपी टू के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है मतलब हाइड्रोक्साइड कैसा बनाएगा ये एम ओ एच टाइप का बनाएगा क्या बनाएगा एम ओ एच टाइप का तो अपन बात करते हैं इसके एक मोल से क्या हुआ? एक ओ एच मिलेगा और इधर से ले एच सी एल का एक मोल लेंगे तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा रिएक्ट कर लेगा तो एस सी एल का कितना लेना पड़ेगा अपने एक मोल जबकि को कितने मिलेंगे? अपने को एच टू एसओ फोर से दो एच प्लस, प्लस? प्लस मिलेंगे इसका मतलब क्या हुआ इसके आधे मोल से कंप्लीटली रिएक्ट करेगा इसका एक एच. इसके आधे मोल से तो अपने पास क्या आ जाएगा वन मोल तो किसका लेना पड़ेगा एच सी एल का और आधा मोल किसका लेना पड़ेगा एच टू एसओ फोर का तो ऑप्शन आ गया अपने पास सेकेंड तो ये अपने पास प्रीवियस टू नाइन दो हजार उन्नीस के क्वेश्चन आए हुए हैं उसके कंप्लीट हुए हैं अपने पास पीरियडिक टेबल के नेक्स्ट अपन का क्वेश्चन देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग है केमिकल बॉन्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही थैंक यू